थाना नवाबाद क्षेत्र के ग्राम सिरमौरा बांगड़ निवासी 40 वर्षीय युवक राजेंद्र यादव पुत्र मुकेश यादव दवा लेने के लिए भाई के साथ जाने वाला था। भाई बाइक लेने के लिए चला गया। इसी दौरान उसने लाइसेंसी बंदूक से खुद अपनी गर्दन में गोली मारकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक राजन के भाई ललित के अनुसार भाई लॉकडाउन के बाद से काफी टेंशन में चल रहा था। घटना की सूचना मिलने पर सीओ सोहराब आलम, थाना अध्यक्ष आरके शर्मा, हल्का इंचार्ज नितिन कुमार फोर्स के साथ मौके पर आ गए। फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर जाकर नमूने लिए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजनों के अनुसार वो दिमागी समस्या से ग्रसित था। लॉकडाउन के चलते इलाज नहीं करा पा रहा था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ गया और उसने गोली मार कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। थाना नवाबगंज के ग्राम सिरमौरा बांगर के रहने वाले मुकेश यादव, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, आज इन्होंने घर पर अपने लाइसेंसी SBBL गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर गई, फील्ड यूनिट को भेजा गया। फील्ड यूनिट ने सारे आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के परिजनों ने बताया कि ये एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे और पिछले एक महीने से मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे थे। उनकी सूचना पर आगे की डिटेक्टर गोदाम पर काम करता था, दिमाग की गर्मी से कोई घर पे नहीं था, बस गोली मार ली अपने आप, आत्महत्या कर ली। गोली काहे से मारी? लाइसेंसी बंदूक से। अच्छा, ये आपका भाई था? भाई, क्या नाम भाई का? मुकेश सिंह। अच्छा, आपका नाम क्या? ललित कुमार यादव। तो ये कितने समय लगभग गोली मारी? 8:30 बजे करीब। प्रधान जी, अभी आपके गांव में एक युवक ने गोली मार के आत्महत्या की, क्या मामला है पूरा? मैंने आप गोली मारी, बहुत दिमाग कुटाने काम करते हो, दिमाग की गर्मी चाहिए थी। अच्छा, बोल तो बता देते हो लेकिन सुबह सही है तो गाँव घूमते हो, बने आम ले खाए और पता नहीं क्या दिमाग बने, आप पता लगे गोली मार ली क्या बना। अच्छा, तो क्या पुलिस को सूचना दे दी गई? सूचना दे दी। तो अभी पुलिस मौके पर आ गई? अभी तो नहीं आ रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।